साथियों, ये देख रहे हैं अभी ये पौधा है फाइकस का। ये हरे रंग का होता है, एक लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों इसको, इस पौधे से नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, उसकी क्या विधि है। साथियों, अपन क्या करते हैं शुरुआत के अंदर यही लेते हैं मोस घास। इस मोस घास को अपन को कम से कम 12 घंटे पहले इसको पानी में अपन को भिगोना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये नमी सोख लेती है इसके पानी फूल को। तो इसको अपन इसमें यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये बारीक बारीक से तंतु निकले हुए हैं, तो अपन इसको यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे, और पन्ने के माध्यम से इसको अपन एटैच कर देंगे बिल्कुल। और साथ ही अपन इसको टेप के माध्यम से बढ़िया दोनों मुंह को एटैच कर देंगे। तो ये 15-20 दिन के अंदर इसमें से बारीक बारीक नए नए चढ़ निकल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक ऐसा ही तैयार किया था। ये देखिए आप, इसको अपन काट दें यहाँ से, और देखिए आप एक साथियों देखिए, ये देखिए मैंने 20 दिन पहले इसके अंदर एक ऐसे ही सेम तैयार किया था। और अब मैं दिखाता हूँ आज के अंदर की क्या प्रक्रिया हुआ, क्या नहीं हुई। ये देखिए साथियों आप, ये देखिए कितनी सारी रूट्स इसके अंदर निकल चुकी है। ये देखिए इसमें आराम से बहुत सी रूट आ चुकी है। अब हम इसको जगाती हो, अब हम इसको ज़मीन में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये 15-20 दिन बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा नया पौधा, और एक बिल्कुल नया पौधा बन जाएगा ये। धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।